Hi friends, this is Professor Karthik Trivedi watching me on my YouTube channel. आज हम जो देखेंगे वो इम्पैक्ट ऑफ जेट की थ्योरी का लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा प्रोपल्शन ऑफ शिप। इसको आप जेट प्रोपल्शन भी बोलते हैं। अब जेट प्रोपल्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जेट की मदद से हम शिप को प्रोपेल करते हैं, आगे की डायरेक्शन में ले जाते हैं। ठीक है, तो जेट प्रोपल्शन या ये प्रोपल्शन ऑफ शिप, इसका एप्लीकेशन हम शिप के अंदर देखते हैं। तो किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रोपल्शन को। सो द फर्स्ट थिंग वी वांट टू सी इज द प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रोपल्शन, कि कैसे जेट है हमको कैसे शिप को आगे मूव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, सो इसको समझने के लिए हम बेसिक कंसेप्ट लेंगे। तो ये आप टैंक ले लीजिए, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक टैंक ड्रॉ करा हुआ है। अब टैंक में से ये ओरिफिस जितना, यानी इतना इनलेट मैंने बाहर रखा हुआ है, यहाँ पे वाटर को मैंने फिल किया हुआ है। ठीक है, ये ओरिफिस है आप जो देख रहे हो, ये ओरिफिस है। ठीक है, दिस इज द ओरिफिस, द स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम विच और फ्रॉम वेयर द वॉटर इज कमिंग आउट लाइक दिस। ठीक है, अभी ओरिफिस है तो यहां से जेट बाहर निकलेगा। अब जो जेट यहां से बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, वी है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला था अकॉर्डिंग टू द सेकंड्स लॉ ऑफ न्यूटन एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि जेट सामने की साइड पे कोई फोर्स लगा रहा है तो वो सामने वाली चीज भी जेट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी। तो जब शिप में क्या होगा, जैसे मैं ये जेट बोल रहा हूं, तो ये जेट हम यहां से जब बाहर की तरफ जाएगा तो जो भी चीज रखी होगी वहां पे तो फोर्स रखेगा, लेकिन वो चीज भी उसके सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो होगा क्या बच्चों के, जब ये वॉटर को हम बाहर निकालेंगे तो वॉटर जिस फोर्स से वो बाहर निकल रहा है उसी इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स उस जेट के ऊपर लग रहा है। तो अगर मैं टैंक पे यहां पे कोई व्हील लगा दूं इस तरीके से और ये फ्रिक्शन लेस कोई सरफेस यहां पे कंसीडर करूं, तो जैसे ये वाटर बाहर निकलेगा तो वाटर के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स निकलेगा, तो ये आपका जो टैंक है वो आगे की डायरेक्शन में मूव होगा, जिसकी वेलोसिटी होगी यू। तो इसी तरीके से बच्चों शिप काम करती है। क्या करता है शिप, शिप के पिछले वाले भाग में जेट रखा हुआ होता है, तो क्या होता है कि वहां से हाई वेलोसिटी वाला जेट बाहर निकलेगा तो वो क्या करेगा, पानी को बाहर धकेलने का कोशिश करेगा। तो जैसा फोर्स वो पानी को बाहर धकेलने के लिए निकालेगा उतना ही इक्वल और ऑपोजिट फोर्स पानी उसकी जेट की तरफ लगेगा। तो जेट की तरफ लगेगा तो शिप आपकी आगे जाएगी, कैसे जाएगी, आगे जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रिंसिपल होता है उसको बोलते हैं हम जेट प्रोपल्शन। तो इसी प्रिंसिपल के थ्रू आपका शिप है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करता है। चलो इसके लिए हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम अगर इंपल्स मोमेंटम फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, देखो बच्चों इसमें अब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसमें हम क्या लेते थे कि जब सामने वाली चीज पे हम फोर्स लगाते तो हम क्या लेते थे, मास फ्लो रेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। लेकिन इसमें क्या होगा, ऑपोजिट फोर्स ले रहे हो ना, तो इसमें क्या कर रहे हो, मास फ्लो रेट इनटू वी वन माइनस वी टू, ये तो ओरिजिनल फोर्स था, ऑपोजिट फोर्स है तो क्या होगा, आगे माइनस साइन लग जाएगी, तो आगे माइनस साइन लगेगी तो वी वन माइनस वी टू है वो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी टू माइनस वी वन, क्योंकि ऑपोजिंग फोर्स है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है जेट के ऊपर फोर्स है, तो अब क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास फ्लो रेट क्या आएगा, तो देखिए पहले एक चीज आपको देखना बहुत जरूरी है, ये जेट है वो वी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है और आपके टैंक है वो यू वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे, तो यहाँ पे दो अपोजिंग वेलोसिटी है, एक वी है वो पीछे की तरफ से जेट निकल रहा है और आपका जो टैंक है वो अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो वी और यू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, रो ए इंटू वी प्लस यू इंटू ब्रैकेट में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी जेट निकल रहा है कौन सी वेलोसिटी से, वी, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा चल रहा है, यू, टैंक भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू टैंक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वी प्लस यू। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी माइनस यू माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वॉटर इनिशियली कहां था, टैंक में था, तो वॉटर अगर टैंक के अंदर है तो टैंक की जो वेलोसिटी होगी वही वॉटर की इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो टैंक की वेलोसिटी कितनी है, यू, सो वॉटर की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू, तो ये क्या हो जाएगा, रो ए वी प्लस यू, यहां से यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रो ए वी प्लस यू इंटू वी। अब मुझे चाहिए वर्क डन अपॉन टाइम, तो कुछ नहीं करना है, इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसी सेम चीज को मुझे मल्टीप्लाई करना है, किसकी वेलोसिटी से, टैंक की वेलोसिटी, क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है, सो वर्क डन अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय दिस टैंक वेलोसिटी यू से। ठीक है, तो ये वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा, अब एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वर्क डन अपॉन टाइम इज व्हाट, नथिंग बट द पावर, तो यही सेम चीज को यहां पे रख दो, तो रख दिया भाई, अब इनपुट, इनपुट क्या होगा, ओरिजिनल चीज, तो यहां पे बोलेंगे साहब कि आपने जो पिछला इंपैक्ट ऑफ जेट पढ़ा है उसमें तो आप ऐसे बोलते थे कि 1 बाय 2 मास फ्लो रेट इनटू वी1 स्क्वायर होता है, जहां पे मास फ्लो रेट रो ए वी1 लेते हैं, लेकिन आपने तो यहां पे मास फ्लो रिलेटिव वेलोसिटी वाला रखा है, क्यों, क्योंकि आप मैंने जो भी पिछले जो भी चीज पढ़ाई हुई थी उसमें जो जेट निकल रहा था वो फिक्स नोजल के अंदर से लग रहा है, इसको आप नोजल समझे, और ये फिक्स नोजल थे उसमें से लग रहा था, लेकिन अब देखो इसमें जो नोजल है वो भी आपकी मूविंग नोजल है,
सो नोजल भी आपका मोशन कर रही है. सो जब मैं आपको ओरिजिनल चीज बोलूंगा नोजल में से जो ओरिजिनल एनर्जी से बाहर निकलेगी, तो आपको यहाँ पे नोजल भी क्या है, मूविंग है. इसलिए यहाँ पे जो आपको इनपुट आएगा वो भी रिलेटिव एंड सुटेबल लगेगा. इसलिए 1/2 रो ए वी प्लस यू मास फ्लो रेट इनटू वी स्क्वायर. सो वी प्लस यू का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, रो ए वी प्लस यू कैंसल, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2u इनटू वी प्लस यू का होल स्क्वायर. आप किसको बोल रहे हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, वी ले लीजिए, यू ले लीजिए, मैं ले रहा हूं वी का, ये पूरे चीज का डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू वी करूंगा और उसको जीरो से इक्वेट करूंगा. तो v की मुझे कुछ वैल्यू मिल रही है, वो मिल रही है u, तो v को यहाँ ये क्या है, ये वैल्यू ऐसी है कि v की ऐसी मैक्सिमम वैल्यू है जो यहाँ पे रखना है, मुझे एफिशिएंसी कैसे मिलेगी मैक्सिमम. सो मैं v की जगह पे यहाँ पे u रख दीजिए, तो आपको एफिशिएंसी का आंसर मिल रहा है 1/2, तो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी 50%. ठीक है, अब इसका आपका एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, आपको सिप में करना है. तो यहाँ पे दो टाइप की थियोरी पूछी जाती है, जिसमें पहली थियोरी होती है आपकी प्रोपल्शन ऑफ सिप Having inlet orifice, orifice यानी जहां से वाटर अंदर आ रहा है, ठीक है, Having inlet orifice at right angle to the direction of motion. देखो भाई सिप में क्या होता है, ये मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है सिप का टॉप व्यू, आप यानी आप ऊपर से सिप को देख रहे हैं, तो ये टॉप व्यू ड्रॉ किया हुआ है. अब देखो पानी चाहिए, मैंने बोला आपको जेट पीछे की तरफ डालना, पीछे की तरफ आपको छोड़ना है, ठीक है. अब जब जेट पीछे की तरफ छोड़ना, तो मुझे सिप में पानी तो चाहिए होगा ना, तो पानी में कहां से लूंगा, तो सिप में मैं पंप के थ्रू जो सी वॉटर है वहां से मैं पानी सक करता हूं और पीछे की तरह उसको भेज देता हूं. लेकिन मैं पानी कहां से लेता हूं, कौन से डायरेक्शन में लेता हूं, उससे उसका दो टाइप होगा. तो ये जो पहला केस है वो ऐसा बोल रहा है कि आप ये जो सीप है, ठीक है, उसका सीप इस तरीके से आगे चल रही है लाइक दिस. सो एक सीप का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ऐसा है, ठीक है. सो सीप का ये आगे वाला पार्ट है उसको बोला जाता है बो, सीप का पीछे वाला भाग होता है उसको बोला जाता है स्टर्न, और बीच वाला भाग होता है उसको बोला जाता है अमिड सीप, ठीक है. तो आपका जो ये सीप है इस तरीके से मोशन कर रही है आगे, ठीक है, और पानी आप पीछे छोड़ रहे हो जेट में, तो मुझे पानी तो चाहिए होगा ना, तो ये पंप है, ठीक है. सो यहां से मैं पानी मुझे चाहिए होगा, तो पानी में क्या रहे हो, साइड में से ले रहा हूं, ऐसे साइड में से ले रहा हूं. सो आपका जो पानी अंदर आप ले रहे हो, ये ओरिफिस बोल दो आप, सो यहां से पानी जो अंदर आ रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के कैसे परपेंडिकुलर है. तो केस वन, व्हेन यू आर टेकिंग वाटर इन द ओरिफिस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो मोशन इस तरीके से, तो उसमें एफिशिएंसी क्या होगा, तो वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये तो सेम ही रहेगा बच्चों, सेम ही तो चीज है ये, सेम यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला वही सेम चीज आएगा जो मैंने यहाँ पे डिराइव किया, वर्क डन अपॉन टाइम फोर्स ये सब चीज सेम रहेगी, क्योंकि यही चीज है ना, टैंक की जगह पे आप सिप समझ लो, तो वो तो फॉर्मूला तो सेम ही आएगा. लेकिन चेंज कहां पे आएगा, चेंज आपका आएगा इनपुट पे, ठीक है. इनपुट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम. जब बच्चों अब यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं आपके पास, यहाँ पे वॉटर भी जब अंदर घुसेगा तो कुछ वेलोसिटी से घुसेगा, फिर यहां पे अंदर जाएगा, और जब जेट से बाहर निकलेगा तो कुछ अलग वेलोसिटी होगी, ठीक है. तो जब आपको यहां पे कंसेप्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी विथ इनिशियल वेलोसिटी. अब दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि आप जो ले रहे हो मोमेंटम इक्वेशन इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ले रहे हो, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरीके से है, तो आपको जो भी वेक्टर का लेने होगा वेलोसिटी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के लाइन में होने चाहिए, ठीक है. तो अब जब यहां पे आप ओरिजिनली वॉटर इन लेते हो तो यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी, मुझे नहीं पता कितनी होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन में कुछ है उसकी वेलोसिटी. जब ये ले रहे हो तो वर्टिकल कंपोनेंट है, मुझे जब इंपल्स मोमेंटम लगाता तो मेरे पास कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, इस तरीके इसके लाइन में होना चाहिए. तो यहाँ पे आप वॉटर ले रहे हो उसका जो भी कंपोनेंट होगा जो वेलोसिटी होगी, लेकिन उसको डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो. सो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट आएगा 1/2. देखो अब इसको कैसे करना है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है. जब कोई भी चीज हो, मान लो कि उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी थी v1, फिर आप उसको लेते हो और उसका वेलोसिटी बढ़ा के v2 कहते हो करते हो, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से लिख सकते हो 1/2 मास फ्लो रेट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. तो मैं इस कंसेप्ट का यूज करने वाला हूं बच्चों कि यहाँ पे ओरिजिनल जिस वॉटर जिस वेलोसिटी से मैं वॉटर को अंदर लूंगा और उसके बाद जिस वेलोसिटी से वॉटर बाहर निकल रहा है, तो मुझे इस तरीके से इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो देखो हम क्या करेंगे, तो हमें वही लेना है. तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे वॉटर आ तो रहा होगा कुछ वेलोसिटी से, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन के लाइन में देखिए आप, डायरेक्शन के मोशन के लाइन में है वो वॉटर की वेलोसिटी नहीं है, तो मैं उसकी जीरो ले लूंगा. सो क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए मैं इसको ऐसे बोल देता हूं कि आपका जो वेलोसिटी है इनिशियल कितना था v1, फिर कितना हुआ v2. तो हम क्या कंसिडर करेंगे बच्चों, हम क्या लेते हैं यहाँ पे होगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे होता है 1/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. देखो अब मैं v1 इनिशियल वेलोसिटी पे किसकी कितनी ले रहा हूँ, जीरो. क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के लाइन में नहीं है, वो परपेंडिकुलर लाइन में उसका वेलोसिटी का वेक्टर है, तो वो गिना जाएगा नहीं, इसलिए इसकी v1 वेलोसिटी क्या ले रहा हूं, जीरो. सो वॉटर जो इन हो रहा है वेलोसिटी वो कितनी है उसकी, जीरो.
तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी आपकी 1/2 मास फ्लो रेट इनटू v2 स्क्वायर. सो v2 स्क्वायर यानी जिस वेलोसिटी से जेट बाहर निकल रहा है वो क्या है v+u का होल स्क्वायर. v+u हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 मास फ्लो रेट इनटू v+u का होल स्क्वायर. ये आपको किताबें नहीं बताती है, मैं आपको ये बता रहा हूं. So, kinetic energy upon time क्या हो जाएगा 1/2 into mass flow rate. So, क्या है वो तो मैं पता है, rho v plus u into bracket में क्या आएगा final velocity का square minus initial velocity का square, जो direction of motion के line में नहीं है, इसलिए वो कितनी होगी 0. So, ये हो जाएगा 1/2 rho v plus u into v plus u का whole square. तो क्या हो जाएगा rho v plus u cancel, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 vu into v upon v plus u का whole square. ये चीज आपको कोई भी बुक नहीं बताएगी, मैं आपको मैं ही बता सकता हूं. अब दूसरा केस आएगा, दूसरा केस क्या होगा, प्रोपल्शन ऑफ शिप हैविंग इनलेट ओरिफिस फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो अब मैं जो पानी ले रहा हूं ना वो इसी तरीके से ले रहा हूं, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरीके से, पानी इस तरीके से ले रहा हूं, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को फेस करता हुआ पानी आ रहा है, तो पानी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ले रहा हूं. तो अब इसका काइनेटिक है, देखो फोर्स का फॉर्मूला दोनों में सेम आएगा, वर्क डन अपॉन टाइम दोनों में सेम रहेगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम चेंज होगा. तो वही आपको समझाना है. तो अब देखो यहां पे क्या होगा, आप देखिए, तो इसका काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम क्या होगा 1/2 इनटू मास फ्लो रेट रो वी प्लस यू. अब आएगा काइनेटिक एनर्जी की विथ इनिशियल वेलोसिटी, तो हम क्या लिख सकते थे 1/2 अगर किसी भी चीज की वेलोसिटी v1 हो और बाद में v2 हो तो उसका वेलोसिटी क्या होता है 1/2 मास फ्लो रेट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. सो 1/2 मास फ्लो रेट, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तो मुझे पता है कितनी है v+u. लेकिन अब देखिए, अब यहां पे एक चीज आएगी, तो यहां पे जो वाटर इन हो रहा है वो कौन सी लाइन में है, तो हम इंपल्स मोमेंटम जिस डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं उसी डायरेक्शन में है, तो अपना वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें वही डायरेक्शन में मिल रहा है. तो यहां पे जो वाटर इन हो रहा है, जो यहां पे इन होगा तो शिप के अंदर इन होगा, तो जो शिप की वेलोसिटी होगी वही वाटर इन की वेलोसिटी होगी, तो यहां पे इनलेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी यू. तो आपको यहां पे एक चीज डालनी होगी, वो होगी माइनस यू स्क्वायर. समझ में आया, तो एक चीज बदल जाएगी क्योंकि यहां पे भी कुछ वेलोसिटी होगी लेकिन वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के लाइन में नहीं थी, इसलिए हमने यहां पे जीरो कंसीडर करी. लेकिन यहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के लाइन में है, सो यहां पे क्या हमें कंसीडर करनी पड़ेगी यू, क्योंकि इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल हम कहां पे लगाते हैं, इसे तो लगाते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के लाइन में, तो वेलोसिटी की कंपोनेंट भी उसके लाइन में होने चाहिए, अगर नहीं है तो जीरो कंसीडर करेंगे, इसलिए यहां पे तो था तो वो यू था, ठीक है. सो इस तरीके से मिला, तो काइनेटिक एनर्जी को आप यहां पर डाल दीजिए तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी 2u / v+2, इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है. तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन के लाइन में नहीं होगी, इसलिए जीरो कंसीडर करी जाएगी, पर यहां पे होगी u, तो ये होगा. तो आपको यहां पे प्रिंसिपल कौन सा है, कोई भी वेलोसिटी अगर v1 से इन हो रही है और v2 से बाहर निकल रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 मास फ्लो रेट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला है जो किताबें नहीं बताती, आपको बताऊंगा. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. हैव अ नाइस डे, बाय बाय.